बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में स्टेज तक लाइट पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले मैं इस माइक्रोस्कोप का प्लग सॉकेट में इंसर्ट कर देता हूं। इस माइक्रोस्कोप में ऑन ऑफ के लिए भी स्विच दिया गया है, ये स्विच है, जैसे ही हम यहां से ऑन करेंगे इधर लाइट आ जाएगी। बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में नंबर ऑफ नॉब्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए पहले इस माइक्रोस्कोप की नॉब्स के फंक्शन देख लेते हैं, जिससे हमें स्लाइड एडजस्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो नॉब आपको दिख रही है, इससे हम लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस नॉब को इस तरफ मूव करूँगा तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में हम अपनी स्लाइड को स्टेज पर रखने के बाद स्लाइड को आगे पीछे और राइट और लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, उसके लिए ये दो नॉब्स हमें दी गई हैं। ये जो नीचे वाली नॉब है, इससे हम स्लाइड को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, और जो इसके ऊपर नॉब दी गई है, इससे हम अपनी स्लाइड को आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें नीचे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू दिया गया है, और उसके साथ ये यहाँ पर ये हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू है। बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में दो आईपीस होते हैं, हमें एक आंख बंद नहीं करनी पड़ती इसमें व्यू को देखने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि हम इन आईपीसेस की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, इस सक्रिय को मूव करके मैं इसे थोड़ा सा लूज कर सकता हूं, और अगर इस व्यू पे देखना चाहूं तो ऐसे भी मैं व्यू देख सकता हूं। इसे मैं पूरा 360 डिग्री पे मूव कर सकता हूं, और जहां पे मेरी कंफर्टेबल पोजीशन हो उस पोजीशन पे से फोकस कर सकता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें स्लाइड को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रिपेयर्ड स्लाइड है, इस स्लाइड को मैं माइक्रोस्कोप की स्टेज पे रख देता हूँ। अब मैं 10x का ऑब्जेक्टिव अपनी स्लाइड के ऊपर ले आता हूँ। अब हम इन दो स्क्रू की हेल्प से अपने स्टेज पे रखी स्लाइड को लेफ्ट राइट और आगे पीछे मूव करेंगे, इस तरह से कि स्पेसिमन वाला एरिया हमारे ऑब्जेक्टिव के नीचे आ जाए। अब हम आईपीस से देखते हुए कोर्स एडजस्टमेंट की हेल्प से अपनी स्लाइड को फोकस करेंगे। मुझे इमेज दिखने लगी, लेकिन इमेज क्लियर नहीं है। इमेज को क्लियर करने के लिए हम कोर्स एडजस्टमेंट की हेल्प लेंगे। बस इमेज क्लियर हो गई। अभी मैंने 10x पे माइक्रोस्कोप को फोकस किया है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू देखना चाहूँ तो मुझे इस माइक्रोस्कोप को 45x पे फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को मूव करके 45x पे फोकस कर दिया है। अब फिर से मैं कोर्स एडजस्टमेंट की हेल्प से स्टेज को थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊंगा, क्योंकि बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में हम अपनी स्टेज को ऊपर या नीचे करके ऑब्जेक्टिव और अपनी स्लाइड के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं स्टेज को थोड़ा ऊपर ले जाकर इसे फोकस करता हूं। बस हो गया। अगर हम अपनी स्लाइड को और ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखना चाहें तो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में हमें 100x का ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है।